हाय नमस्कार साथियों, हेलो हेलो। ये हमारे गोविंद जी हैं, चल रहे हैं। गोविंद जी आज आपका लास्ट पेपर है, कुछ कहना है आपका? गोविंद जी अपनी पढ़ाई में मशरूफ, कुछ कह नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी गोविंद जी पढ़ाई कर रहे हैं और नेश भाई साथ में हल्की हल्की धुन के साथ गाना सुन रहे हैं। और नरेश भाई कुछ विचार रखेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे अभी आपके साथ। दोस्तों आज हमारे बीएड का, जैसा कि पहले ही अनिल जी ने बता दिया आपको, अंतिम दिन है, तो आज हम इसको कुछ अलग बनाना चाहेंगे, कुछ यादगार लम्हे। कुछ अभी हमारा पेपर है, बट वी आर नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, तो आज हम करेंगे बात अपने इस सफर के बारे में। पर सफर की बात तो देखिए, पहले देखिए गोविंद जी अभी भी पढ़ रहे हैं, कागज लेके पढ़ते हैं मात्र पेपर के आधा घंटा पहले। प्रेशर। लेकिन अपना तो अंदाज ही कुछ और ही रहा है, अब देखेंगे पेपर में क्या आता है वो। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, यूजुअली हम जाते हैं एग्जाम में सबसे लास्ट, एग्जामिनेशन हॉल। बट आज लास्ट डे है तो हमने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा अलग कर दे। तो इन गलियों के बारे में क्या कहना है नरेश भाई, जो ये गलियां हैं, ये देखो अमरूद का पेड़, इसको हम रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब मर्जी अमरूद चुरा सकते थे। यस। तो एक बार क्या होता है, इधर आपके सामने आपको याद है भंडारा, एक बार पांच कुत्ते पड़ गए थे पीछे से, बहुत ही बड़ी बात है। वो ऊपर वाली साइड भंडारा, वहाँ पे क्या होता है कि 8 बजे तक किसी को पता नहीं था भंडारा। जैसे कि बीएड में सूत्र इतने तेज है, एकदम से हमने सूचना कर दी कि भंडारा है और 9:30 बजे 30 बंदे बीएड के पहुंच गए इधर। हाँ, वो सबसे जो रात को भंडारा हुआ था, अपने आप में बीएड के छात्र अध्यापक बहुत ज्यादा पहुंच गए थे। और उसी दिन हमने डिसाइड किया था नरेश भाई भंडारा गैंग के जो ब्रांड एम्बेसडर गोविंद, क्योंकि गोविंद का अपना बड़ा नाम था, इसीलिए हमने भंडारा गैंग के ब्रांड एम्बेसडर गोविंद को चुना था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हमारी एक अन्य नाम पर भी चर्चा चली थी, चलो हम उसको पब्लिकली नहीं बोलना चाहेंगे। हाँ, नरेश भाई कुछ छुपाना चाहते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि किसी सूचना को कम्युनिकेट करने में लेडीज डिपार्टमेंट बड़ा फास्ट होता है, बट जब बात बीएड वालों की आती है वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे लिंक से लोगों के बीच में 5 मिनट के अंदर पूरे बीएड फैमिली में कोई बात पहुँच सकती है, खासकर भंडारे के मामले में। वो बात याद है नरेश भाई, जिस दिन मैंने अपने साथी लोग लाए थे टीपी के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को अवगत कराओ। हाँ, भंडारे के लिए लाए लेकिन वहाँ पे भंडारा था नहीं। इसमें क्या होता है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम। हमारे आंटी जी ने कहा कि यहाँ पे भंडारा है आज, ठीक है, तो हमने सूचना जैसे कि पहले ही हमने फैला दी। हाँ। शाम को क्या होता कि हमारे अनिल भाई अपने सराह वाले ग्रुप को ले आते हैं, तो पहुँच जाते हैं भंडारा खाने, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भंडारा नहीं था। और इनको अपने ग्रुप वालों से सबसे क्या सुननी पड़ी। हाँ। तो लेकिन शाम को भंडारा जरूर हुआ, और उसी दिन हमने डिसाइड किया कि फिर कभी ऐसा ना हो कि, तभी तो हमने गोविंद जी को एक बार अच्छे से जानिए आप गोविंद जी को। अभी हमने थोड़े लॉ एंड ऑर्डर के थोड़े से जानकार है, तो इसलिए मास्क को हटा नहीं रहे, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब इन गलियों के बारे में बताते हैं, याद है आपको लॉकडाउन इनिशियल फेज? लॉकडाउन अपने आप में जिस टाइम लोगों को शायद ही अपने दरवाजे से बाहर निकले में भी डर लगता था, इधर घूमते थे लोगों की सेवाओं करने के लिए निकले थे नरेश भाई। हाँ, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, इंटेंशन हमारे क्लियर थे, ऐसा नहीं था कि हम घूमने आते थे, पर उधर आगे आपको पता है कार्यालय है, तो हम इधर आते थे सर्विस करने। एक बार क्या होता है, रात के 2 बजे इधर जाते हम। तो ऊपर पहुंचते हैं अपने रूम, हमारे ब्रांड एम्बेसडर जी क्या करते हैं, वो दरवाजे को अंदर से लॉक करके रखते हैं, ठीक है, और फिर हम आवाज़ भी नहीं कर सकते थे उस टाइम। फिर क्या करना पड़ा, हमें दूसरी साइड से चलना पड़ा था।
ये वही सड़क है जिसमें हम रोज गुजरा करते थे, रोज चला करते थे। अब शायद ही कभी यहाँ पे चलने का मौका मिले, लेकिन तभी तो आज हम अपने इस अंतिम दिन को, अंतिम क्षणों को कुछ यादगार बनाना चाहते हैं और आपके साथ अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। कैमरा मैन अनिल कुमार मैं, और अभी हम लाइव जारी है। अभी तो पेपर कितने टाइम कितना हुआ नरेश भाई? लॉट्स ऑफ, अभी टाइम बहुत है और कुछ आगे रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। पेपर को हम सीरियस लेते नहीं है, एग्जामिनेशन में हॉल में सबसे लास्ट में हम पहुंचते हैं और आगे रोचक जानकारियां देते रहेंगे नरेश भाई। रोचक जानकारी क्योंकि आगे हम कहना चाहेंगे कि अब नरेश भाई अब भावुक हो चुके हैं क्योंकि आज अंतिम दिन है, भावुकता तो बनती ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने सफर के बारे में कहना चाहूंगा। जो ये हमारा शिक्षा स्नातक का सफर, खासकर GCTE में रहा, वो अपने आप में भी एक अनूठा अनुभव है। नरेश भाई हमारे, हम लोगों को सिर्फ एक आदमी देख रहा है, ज्यादा नहीं देख रहे, ये क्या बात है? हमारी इज्जत नहीं रही है? नहीं, अच्छा कुछ लोग बाद में देखेंगे। जिस चीज को, जो चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, है ये बात भी है। तो व्हाई नॉट, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। नरेश भाई ये तो अपने आप में नहीं करते। अब सामने दिखाते हैं आपको, ये खेड़ी बंदा था बैठा हुआ तो एकदम हम डर गए हैं। ऊपर इसका फ्रेंड था, उससे डर गए थे अनिल भाई। एक बार हम फिर से बीएड में ब्रांड एम्बेसडर गोविंद जी को दिखाना चाहते हैं। गोविंद जी, गोविंद जी अपने विचार देना चाहेंगे, आप कुछ अपने विचार बताइए, आप बीएड के सफर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए या फिर अपने अनुभवों को साझा कीजिए। गोविंद जी, गोविंद जी भावुक हुए हैं बहुत ही भावुकता के साथ। गोविंद जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि GCTE में जो बिताए लम्हों के कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ मैं। फर्स्ट थिंग, हम वहाँ पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्रिकेट खेला करते थे, जो कि हमने शायद ही +1 के बाद ग्रेजुएशन तक कभी किया हो। दूसरी बात, अपने किसी कॉलेज से हम रात के 10-10 बजे वापस आना, हालांकि हम पढ़ने बैठते थे वहाँ पे और प्रोफेसर वगैरह के साथ हम डिस्कशन करने बैठते थे। नरेश भाई, तीसरी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, ये ओपन पार्क है तो या स्मार्ट ओपन पार्क, स्मार्ट सिटी पार्क जो है, ओपन जिम भी है, तो इस पार्क के बारे में आपका क्या कहना है क्योंकि यहाँ पे बड़ा कुछ चलता था। हाँ, ये यूजुअली लोग जैसे बोलते हैं कि गोविंद जी का कहना है कि यहाँ पे अभी भी कुछ चलता है। आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। और अपनी भावुकता को वो नियंत्रित नहीं कर पाए। नरेश भाई यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छा आइडिया भी है, साथ साथ हम अपने दर्शकों को, अपने साथियों को आइडिया देते रहते हैं कि इस तरह से के चक्कर में उन्होंने बैनर भी जला दिया साथ में, ये इंस्ट्रक्शन भी जला दी, ये नहीं जलानी चाहिए, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखे। आई थिंक ये उसके लिए बनाया हुआ था, ये डिकम्पोज होने वाला, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक भी जला दिया इसमें, ये गलत बात है और हम इसका कुछ बातों का विरोध करते हैं चलते चलते, क्योंकि प्लास्टिक को जलाना आई डोंट थिंक सो कि इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम स्मार्ट सिटी पार्क के बारे में बोलना चाहते हैं। ये पार्क है, फिशेस साथ में बैठे हैं लोग यहाँ पे, इसको लोग अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर इसका निर्माण किया गया था। इनिशियली इसमें 2 करोड़ बजट बताया जा रहा था, हालांकि 2 करोड़ जैसी इसमें कोई मुझे नहीं लगता इतना लगा होगा कहीं। जैसे कि आपको पता है खाने का सिस्टम इंडिया में चलता ही है। नरेश भाई और सामाजिक कुरीतियों या कुछ अपने विचार भी साथ साथ में रख रहे हैं और पीछे हमारे गोविंद भी चल रहे हैं। अच्छा, पर्चा छुपा दिया है अब इन्होंने। अब गोविंद जी विचार दीजिए अपने आप। लेट्स मूव टुवर्ड वॉर मेमोरियल। अब आपको हम वॉर मेमोरियल दिखाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का वन एंड ओनली वॉर मेमोरियल है, जो कि आपको पता है धर्मशाला में है। अभी और भी बन रहा है एक वॉर मेमोरियल हिमाचल में ही। हाँ, अभी वो कार्यरत है, कार्यरत अभी कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे जारी है, अंडर वर्क है। ये देखिए, ये है हमारे देश के जवानों शहीदों की वो शहादत जिन्होंने दी है। वॉर मेमोरियल का क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका? वॉर मेमोरियल एक ऐसा सिंबल है जो हमें पैट्रियोटिज्म को बनाए रखता है लोगों के दिलों में,
अपने देश के लिए समर्पित होने के लिए। और ये वही टैंक है, इस टैंक के बारे में जानिए। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान का टैंक यहाँ पे क्या कर रहा है। आपको पता है कि 1965 में इंडिया पाक वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया ने इसको क्या हुआ था, कैप्चर कर लिया था। ये बहुत ही पैटर्न टैंक है, 1965 सियालकोट सेक्टर से लिया गया था। एंड दिस इज पार्किंग जोन और साथ में वहाँ पे वॉर मेमोरियल और अमर ज्योति भी जली रहती है वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। और हम आगे चलते हैं। अंदेश भाई बिल्कुल जानकारी यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, अपने आप में बहुत ही ज्ञाता है और अच्छे अच्छे पार्क भी दिखाते हैं। आपका फाइटर जेट IE-1062 जिसको कि इंडिया की एयरफोर्स का एक अपनी सेवाएं दे चुका है ये बहुत ज्यादा। और नरेश भाई अब हम कुछ और चर्चा परिचर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो गोविंद जी थोड़ा साइड में निकल चुके हैं ट्रेन ने। वैसे अनिल जी आप ये इन तोहफों के बारे में अपने मित्रों को अवगत कराएं। तोहफों के बारे में हम ये आर्टिलरी गन है, ये वही आर्टिलरी गन है जिन्होंने भारतीय अदम्य साहस का परिचय देती है। इसको आप दिखा सकते हैं नीचे, जिसमें कि साहस का वर्णन किया गया है भारतीय सेना का। और ये रहा उधर नया टैंक। और ये जनरल जोरावर सिंह जी, इधर इनकी स्टैच्यू बनी हुई है। और अब सड़क पास करते हुए हम जल्दी जल्दी थोड़ा एंड वो नीचे ये सामने एजुकेशन बोर्ड विक्रांत विक्रांत का जो स्मॉलर। जी हाँ दोस्तों, अब हम धीरे धीरे महाविद्यालय की तरफ पहुँच रहे हैं। तो हम अब इसके बाद आज हम थोड़ा पहले आए हुए हैं, जैसे हम बता चुके हैं ये रहा आपका सैनिक विश्राम भी, यहाँ पर भी हमने शादियाँ अटेंड की हुई है। हाँ और मैं नहीं आ पाया था वो अलग बात है, लेकिन नरेश भाई ने यहाँ पर भी कोई मौका नहीं छोड़ा, शादियाँ नहीं छोड़ी। मैं थोड़ा काम में व्यस्त, अपने सामाजिक कार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसी शादियों में ना आ सका, क्योंकि समाज सेवा परम धर्म है मेरे लिए। हर संडे को मैं समाज सेवा करता हूँ। और अभी ये इस उस अपने मतलब अपनी कुशलता को एक स्टेज प्रदान करने के लिए अब अनिल जी हमारे जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्यों के ऊपर शोध कार्य करना चाह रहे हैं। तो और मैं इनके साथ शुभकामनाएं हैं। नरेश भाई भी एक बात बताना चाहता हूं अपने साथियों को भी, इसके बाद एनजीओ का निर्माण गठन करना चाहता हूं ताकि मैं बहुत सारे लोगों का उद्धार कर सकूं, नारी खासकर नारी सशक्तिकरण कर सकूं, मैं डायरेक्ट सर्विस लोगों तक पहुंचा सके अपनी, क्योंकि एनजीओ एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप कोई काम करते हैं वो नीडी पर। चलिए नरेश भाई यहाँ पे आप कुछ अपने लम्हे और कुछ यादें शेयर कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ खास खास बातों के बारे में एक संक्षिप्त रूप से। मेरी तो कह सकते हैं कि पूरी बीएड ही, क्योंकि मैं तो टीचिंग प्रैक्टिस इसी स्कूल में हुई थी ऊपर, तो हम यूजुअली इस पानी की टैंक के ऊपर बैठा करते थे। वहाँ पर चाय पीने का अनुभव अपने आप में ही खास है, क्योंकि उधर से जो दृश्य है वो अलग है। अब जिस सिटी की ओर रुक करते हैं, शिक्षक भाभी शिक्षक आज बड़े खुश लग रहे हैं, आज अंतिम दिन है तो इसी चक्कर में हम ये हमारे कमली जी परम मित्र पड़े खड़े हुए हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। रुकिए ठहरिए, अभी हम इनसे नहीं इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इनकी अभी हमने चलते हैं आगे। चलो और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हुए, और ये जिंदगी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, लेकिन ये बीएड का आखिरी दिन जरूर है। जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है। रवि जी बोरोड से उधर बैठे हुए हैं। हाँ जी अच्छा रवि भाई बैठे हुए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का। हेलो हाय कर रहे रवि भाई, अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय का अस्थाई परिसर भी आपको दिखाई जाते हैं। ये नो एंट्री खास, ये क्या इसका क्या इतिहास है, ये बिल्डिंग एक्चुअल में बीएड वालों की है, तो हमने थोड़ा सा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण भी जल्दी किया जाए, ताकि जो भाभी छात्र अध्यापक है हमारी ये प्रशासन से
सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर निर्माण किया जाए। अब हमें कुछ अपने नियम मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, तो अब हम पहुंच चुके हैं, तो मास्क लगाना पड़ेगा, मास्क वगैरह सब चीजें हम हाथ सैनिटाइजर कर देंगे। जी सी टी गर्ल्स हॉस्टल और सामने, और इसी के साथ नरेश भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। बाकी थोड़ी देर बाद हम 1.5 घंटे के बाद आपसे रूबरू हो जाएंगे, फिर से समक्ष आएंगे नरेश भाई, नृत्य गान और नाच गाना भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।